हेलो दोस्तों, आज हम भारत के इम्पॉर्टेंट भाग को जानेंगे। ये एक छोटा सा भाग है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। इसे भारत में चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये जो भाग है आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो भाग है पूरा का पूरा, ये पश्चिम बंगाल के एरिया में आता है। इसमें इसकी लंबाई 60 किलोमीटर लंबाई है और मात्र ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। चीन के अपने विस्तारवादी बिहेवियर की वजह से कई देशों के साथ चीन के सीमा विवाद हैं। चीन इस हिस्से पर अपनी नज़र बनाए हुए है। भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी गलियारे के द्वारा भारत अपने पूर्वी राज्यों में आवाजाही कर सकता है। या ये बोल सकते हैं कि भारत अपनी मुख्य भूमि से इसी कॉरिडोर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर जाना है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाना है, तो आपके पास एकमात्र रास्ता है कि आप सिलीगुड़ी गलियारे से होते हुए कहाँ पर जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाएंगे। भारत के लिए अपने उत्तर पूर्वी राज्य बेहद ज़रूरी हैं। भारत भी अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए नई नई योजनाएं चला रहा है। ऐसे में अगर हमारा सिलीगुड़ी गलियारा अगर किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या कहा जाए कि इसे यहाँ से काट दिया जाए, तो ऐसे में भारत की जो कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों के पास हमारे पास जो एरिया है, जहाँ तक हमारे पास आवाजाही है, वो ब्लॉक हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में चलने वाली विकास परियोजनाएं भी इससे रुक सकती हैं और उत्तर पूर्व से हमारा संपर्क टूट सकता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने म्यांमार के साथ एक अल्टरनेट रूट डेवलप किया है, जिसे कलादान मल्टी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जो कि यहाँ से हमारे पास कनेक्ट होगा, जिसके द्वारा हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने उत्तर पूर्वी राज्य को। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एरिया है, अब इसका एक अल्टरनेट रूट बनाया जा रहा है, जो कि वेस्ट बंगाल से होते हुए आप म्यांमार में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एरिया है, अब वो यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंसी है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे है, वह कम की जा सकती है। धन्यवाद।